मनुष्य कितना विचित्र होता है, सदैव स्वप्न देखता रहता है कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो आरंभ करूंगा, कल मैं वो संपन्न करूंगा। ये कल जो है ना, ये कल अत्यंत विचित्र है। ये सदैव दिखता है हमें आते हुए, किंतु जैसे ही समीप आता है आज बन जाता है। पुनः एक नया कल दिखता है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो समीप आता है आज बन जाता है। ये कल सदैव झूठी सांत्वना देता है कि वो आ रहा है, किंतु वो कभी नहीं आता। जो आपके हाथ में है वो है आज, वर्तमान। तो जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, आज कीजिए, वर्तमान में कीजिए। क्योंकि आज आप जो करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य के विषय में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा, आज कर्म करने से होगा। तो आज वर्तमान में जीवन जिए, कर्म करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। लोग कहते हैं जब आप युद्ध में खड़े हो तो शत्रु को पीठ दिखाकर भागना या पीछे हट जाना अत्यंत अनुचित युद्ध नीति। कहा जाता है कि श्रेष्ठ युद्ध नीति वो होती है जहां आप शस्त्र उठाकर आगे जाते हो, साहस के साथ लड़ते हो, शत्रु को परास्त करके लौट आते हो। और यही मैंने किया, तब महाभारत रची गई थी, क्योंकि तब धर्म की रक्षा आवश्यक थी। किंतु एक समय वैसा भी था जब मैं रण से भागा भी, क्योंकि तब प्रजा की सुरक्षा अति आवश्यक थी। मेरे माथे पे रणछोड़ का कलंक भी लोगों ने लगाया, किंतु ठीक, मैंने वही किया जो आवश्यक था। श्री राम भी लंका जाकर रावण का वध करने से पूर्व 4 मास तक प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा की उस सेतु के पूर्ण होने की। तत्पश्चात जाके रावण को परास्त किया, उसका अंत किया। जीवन में कभी कभी रुक जाने की या पीछे हटने की नीति भी आवश्यक होती है। ये समय समय पर निर्भर करता है। शत्रु कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई मनुष्य हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, हमारी स्वयं की सोच हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, महामारी भी हो सकती है। ऐसे में करे वही जो उचित है। देखिए, हर बार नारायण हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ सकते। कई बार नर को स्वयं उस बाधा का सामना करके उसे परास्त करना होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हर नर में नारायण, तो भीतर के नारायण को जागृत कीजिए, सामने जो भी समस्या है उसका अंत कीजिए, भले ही वो पीछे हटके क्यों ना की जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रतियोगि